नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राजस्थान पुलिस ने रिट परीक्षा घोटाले में शामिल दो वांटेड महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन महिलाओं पर 50,000 रुपए का इनाम था और ये लंबे समय से फरार चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी से नीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाने और बड़े स्तर पर धांधली करने के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लंबे समय से इन दोनों आरोपियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया हुआ था। जांच में सामने आया कि इन महिलाओं ने रिट परीक्षा में फर्जी उम्मीदवारों को बैठाकर धांधली करने की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार इस घोटाले में कई लोग शामिल थे और इनके तार बालोतरा से जुड़े थे, जहां इस पूरे घटना की शुरुआत हुई थी। इन महिलाओं ने फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर परिणामों में धांधली करने की कोशिश की थी। बालोतरा में यह मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान किया और घोटालों में शामिल कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसे कानून के सामने लाया जाएगा। राजस्थान पुलिस IGP विकास कुमार IPS ने इस कामयाबी के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और पाताल से भी पकड़कर सामने लाएंगे। इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने अपनी टीम की सराहना की और इस बड़ी सफलता के लिए उन्हें बधाई दी।